चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जिसके लिए ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बनाए गए हैं, जहां बद इंतजामी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल यात्रियों का आरोप है कि भीड़ के हिसाब से बेहद कम काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानियां भी पेश आ रही हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। और कल जो भी होगा वो सदन पर होगा। सवाल है कि ये पूरा जो मामला था वो कांग्रेस का आंतरिक मामला था, उनके 9 विधायक उनसे एक तरह से अलग हो रहे थे। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कुछ गलती की इस पूरे मसले पर, खुद आगे बढ़ करके जिस तरीके से बागियों का? भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती नहीं की, ये तो उनका आपसी झगड़ा था, उनके आंतरिक उनके परिवार की वो अपने परिवार को नहीं संभाल सके, ये उनका काम था। भारतीय जनता पार्टी ने तो को एक भी शब्द गलत नहीं किया, एक भी कदम गलत नहीं किया। आखिर ऐसी संवैधानिक संकट आ गया था कि जो बिल वहां गिर गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र में भरोसा करती है, हम वहां भी हमने सरकारों को चलाया है, देश में सरकार चला रहे हैं, तो क्या संविधान की इसी तरीके से हत्या होते हुए हम देख लेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष जो अल्पमत में उनको जबरदस्ती बहुमत में कर दे और जो बहुमत है उनको अल्पमत में घोषित कर दे? एक सवाल है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो 9 विधायक अयोग्य साबित हुए, अगर अयोग्य साबित हुए तो फिर वो बिल पास कैसा हुआ, जो आप सवाल उठा? नहीं, मैं तो क्या जी, जो सरकार के वकील थे उन्होंने थोड़ी कोताही बरती, गलत तरीके से इस मामले को लेकर क्या? मैं उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को बहुत ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि यदि ये 9 विधायक इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिए कि इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, और यदि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो बिल गिर गया, तो ये क्यों नहीं स्वीकार रहे कि हाँ उनके सपोर्ट नहीं? आप कह रहे हैं कि नहीं सपोर्ट भी किया और उनको जो है अयोग्य भी घोषित कर दी, ये दोहरा मानक तो नहीं होना चाहिए? कोर्ट में जो चीजें आप कह रहे हैं तो क्या कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा गया? मुझे मालूम नहीं, ये इस पे भी मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो घटना घटी है, जो सामने है, जो मैंने स्वयं देखा है, मैं तो एक मिनट का साक्षी हूँ इन घटनाओं का। देखिए अभी तो कल यदि वो बहुमत साबित करते हैं या नहीं करते हैं, यदि नहीं करते हैं बहुमत साबित तब सरकार बनाने के लिए हम आगे आएंगे, और यदि वो बहुमत साबित करते हैं तब आगे क्या परिस्थितियां होगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस संपूर्ण घटनाक्रम के लिए केवल और केवल यदि कोई दोषी है तो कांग्रेस दोषी है, उस राज्य को चौराहे पर खड़े करने के लिए कांग्रेस दोषी है। एक के बाद एक तीन स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हो, जब पहले मुख्यमंत्री के सचिव कह रहे हो आबकारी में लेन देन की बात करते हो मुख्यमंत्री का नाम हो, दूसरी स्टिंग में स्वयं मुख्यमंत्री ही आकर के कह दें कि हम आंख बंद कर देंगे, मुंह मोड़ देंगे, आप जितना चाहे राज्य को लूटो लेकिन मेरी कुर्सी को बचा कर रहो, और तीसरी स्टिंग में उन्हीं के कल जो उनके विधायक ने कह दिया कि हाँ मुख्यमंत्री ने तो 27 करोड़ रुपए तो केवल एक ही खनन से हमें, बाकी और कितना लिया होगा मालूम नहीं, और किस किस विधायक को कितना दिया, क्या कांग्रेस के अंदर भी क्या विधायकों को पैसा मिल रहा है? ये लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, और इसलिए कांग्रेस ने चौराहे पर खड़ा किया है लोकतंत्र को, राज्य को तो उत्तराखंड को तो चौराहे पर खड़ा ही किया, लेकिन लोकतंत्र पर भी गहरा धब्बा लगाया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी पार्टी ने किसी भी तरीके का कोई गलत कदम नहीं उठाया है, और कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से आज प्रदेश की ये स्थिति है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।